देखिए आपको बता दूं कि इस वक्त इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र से जो एक घटनाक्रम की खबरें यहाँ पे आ रही है, उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उसमें यह एक चीज़ दिखाई जा रही है कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे जो बाहर निकल के और जुलूस के रूप में रावजी बाजार थाने की तरफ बढ़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, और उसमें जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी उसमें दिखाई गई है। और जब उस जो घटनाक्रम है उसकी जब पड़ताल की गई तो उसमें कुछ यह साफ तौर पे निकल के आया कि पिछले दिनों एक जो व्यक्ति है वहीं का रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर कब्रिस्तान में 50 से अधिक लोगों को वहाँ पर उसने इकट्ठा करके रखा था। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने जो लॉकडाउन का जो उल्लंघन होता है उसको लेके 188 की कार्रवाई वहाँ पे उस व्यक्ति पे की थी, और उसी कार्रवाई के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके जो आसपास के लोग हैं, जो उसके क्षेत्र के लोग हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया, और उसी को लेके ये सब लोग वहाँ से बाहर निकले। और अभी फ़िलहाल में जो स्थिति है वहाँ पे, फ़िलहाल जो स्थिति वो सामान्य है, वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। उसमें कुछ ऐसे घटनाक्रम भी उसमें यहाँ पे दिखाए गए हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनके खिलाफ़ यहाँ पे सभी लोगों ने नारेबाजी भी की है पुलिस प्रशासन के खिलाफ़। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल में ये जो स्थिति है इस प्रकार से देखने को मिल रही है कि जो लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार की घटना अगर यहाँ, तो ये एक निंदनीय घटना है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो कोरोना के संक्रमण से परेशान है उसी को लेके जो लॉकडाउन यहाँ पे किया गया ताकि लोग घर से बाहर निकले। और जब वरिष्ठ अधिकारी से जानना चाहा, उनसे बातचीत की गई, तो जो CSP हैं रावजीवर थाना क्षेत्र के दिनेश अग्रवाल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग रोड पे जरूर इकट्ठा हुए थे, रोड पे इकट्ठा होने के बाद थाने तक आने की कोशिश की थी और सभी को समझा के अपने अपने घर वापस रवाना किया गया है। और अभी आने वाले समय में जो जो पुलिस प्रशासन है वो इस पे जो जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे रोड पे सब पे कार्रवाई के मूड में यहाँ नज़र आ रहा है।